ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है लंबी दहर माइंस। ये जगह भी बहुत फेमस है बट दूसरे सेंस में ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। मसूरी नाम सुनते ही मॉल रोड और कैंपटी फॉल की पिक्चर सामने आ जाती है, बट मसूरी में काफी सारी और जगहें हैं जो देखने लायक हैं और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही जगह ले जा रही हूँ। हम जा रहे हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट पीक और लंबी दहर माइंस, जो कि मसूरी के आउटर में ही पड़ती है और यहाँ का रास्ता हाथी पांव डाइवर्जन से आता है जो कि मसूरी से 5-6 किलोमीटर पहले ही आता है। यहाँ से राइट चले जाएं तो आप सीधा मसूरी पहुँच जाएंगे और हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट और यहाँ से सर जॉर्ज एवरेस्ट है 9 किलोमीटर। रोड काफी अच्छी है और आपको ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत नजारों से भरा हुआ है एंड यू विल एंजॉय योर राइड। और रास्ते में ही लगभग 5-6 किलोमीटर बाद आती है हमारी पहली डेस्टिनेशन जो कि पूरे इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। पहाड़ों में मौसम इतनी जल्दी बदलता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और अब वैसे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है लंबी दहर माइंस। ये जगह भी बहुत फेमस है बट दूसरे सेंस में ये इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। अगर यहाँ पे लोकलाइट से बात करो तो ये बहुत सारे किस्से बताते हैं यहाँ के और जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होता है। ये बिल्कुल बंद कर दी गई थी उसके बाद से, तो यहाँ पे अभी कोई नहीं जाता है। हाँ कुछ यू नो ग्रुप्स लड़के वड़के जैसे कोई चाहते हैं ना एक्सपीरियंस करना, हाँ कुछ नहीं वो पहुंच जाते हैं। एक्चुअली 1990s के दौरान माइनिंग के गलत तरीकों के चलते जो 50,000 माइन वर्कर्स थे उनको कोई लंग प्रॉब्लम हो गई और उनके मतलब बहुत ज्यादा कफिंग होने लग गई और ब्लड आने लग गया एंड दे ऑल डाइड। और जो रिसर्च टीम्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे रिसर्च की है आके एंड दे हैव प्रूव्ड कि हाँ यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ये सारा एरिया जो है ये बंद कर दिया गया था, अभी भी ये बंद है, यहाँ जाना अलाउड नहीं है वैसे, बट हाँ कुछ लोग अपनी मर्जी से चले जाते हैं। माइंस की तरफ एक रोड जाती है पर इसको खोद दिया गया है सो दैट लोग वहाँ ना जाएं और अब बस कुछ खंडर ही बचे हुए हैं यहाँ जो कि एक ऑफिस बिल्डिंग के हैं और माइंस अब जंगल के अंदर पेड़ पौधों के नीचे दब गई हैं। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for new video notifications. If you ask any local about these mines, they will never recommend you to visit here. It's on record that many trucks, cars and other vehicles were pulled down the cliff by unknown forces near the mines. और एक लेजेंड जो बहुत ज्यादा फेमस है कि यहाँ एक विच या फिर डायन कह सकते हैं वो रहती है जो रात के वक्त यहाँ घूमती है। ये सब सुनकर एक बार तो गूज़बम्स आ गए थे मुझे भी। थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद अब हम जा रहे हैं आगे सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस की तरफ जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर ही रह जाता है। इस पॉइंट से जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है ये आपको ले जाएगा सीधा सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। जॉर्ज एवरेस्ट यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर दूर है बट रास्ता बहुत खराब है तो हम कार यहीं पार्क करके अब पैदल जाएंगे। अभी जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे ही यहाँ पे हम हैं। यहाँ पे एकदम खुला सा मैदान है, ग्रीन और इतनी सुंदर वैली है, ये एकदम खजियार वाली फील आ रही है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आप मसूरी से गांधी चौक की तरफ से भी आ सकते हैं। गांधी चौक से ये सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से ऊपर जाकर सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने के लिए। पहले उसका नाम XV या फिर पीक 15 था बट उन्हीं के नाम के ऊपर उसका नाम फिर माउंट एवरेस्ट रखा गया। और एवरेस्ट हाउस से ऊपर जाकर भी सर जॉर्ज एवरेस्ट के हाउस से ऊपर जाकर भी एक पीक आता है, वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है दून वैली का और हिमालयाज का।
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके है। ये जो ट्रैक है इसी पे चल के जाना पड़ेगा आपको। कोई व्हीकल लेके आप नहीं जा सकते हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं, यू हैव टू गो बाय वॉकिंग ओनली। सो ऊपर तक जाने के लिए चलना बहुत पड़ता है, हालत खराब हो गई है। मैं आज इतनी जगह गई हूँ ना, सब जगह इतना सारा चलना पड़ा है मुझे। यहाँ से ऊपर जाके आता है सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और आजकल यहाँ काफी कंस्ट्रक्शन चल रही है टू रेनोवेट दिस प्लेस एंड टू मेक इट वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मसूरी। वो सामने जो पीक दिख रहा है वो है जॉर्ज एवरेस्ट पीक, और यहाँ जाने का ट्रैक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जैसे कि मेरे साथ है। एंड इट इज जस्ट 500 मीटर्स हाइक फ्रॉम हियर। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आल्सो नोन एज पार्क स्टेट वाज बिल्ट इन 1832। दीज डेज दिस प्लेस इज बिकमिंग फेमस फॉर कैंपिंग, पिकनिक एंड एडवेंचर आउटिंग्स। It offers spectacular views of the snow-clad Himalayan peak and panoramic views of the Doon Valley.